तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और जैसे अभी सुबह के बज गए हैं 9:26, नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को कैमरे में, सॉरी। तो ये डब्बा फोन है भाई, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी 9:26 बज चुके हैं और हम उठ गए हैं। आज हम बहुत लेट उठे, नॉर्मली मैं उठ जाती हूँ 7 बजे, मैं उठ जाती हूँ 7 बजे इनफ है, ठीक है। आज मैं उठी हूँ 8 बजे सो के, जस्ट बिकॉज रात को ना नींद ही नहीं आ रही थी यार, मतलब रात को इतनी सारी बातें, मैं और हिमांशु हंस रहे, लिटरली हम हंस रहे, मैं और हिमांशु बहुत हंस रहे। तो जस्ट अभी सुबह उठी, उठ के फिर मम्मा ने चाय दी, चाय पी मैंने, ठीक है। अब मम्मी ब्रेकफास्ट बना रही है, क्या बना रही है मम्मा, ठीक है, तो चलो मम्मी से मिलवाते हैं। और हाँ गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई, कल जो मैंने व्लॉग बनाया था उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, बहुत बहुत। तो आई एम सो हैप्पी कि मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, थैंक यू सो मच। और दूसरी बात कि भाई अभी मम्मी, मैंने सोचा कि मम्मी को भी ब्लॉग में लिया जाए, मम्मी बड़ी शाय से ही है ना यार, आती ही नहीं है, मैं क्या करूँ, मम्मी आती नहीं है, बस जस्ट बिकॉज मैंने सोचा कि मम्मी को अब हम लेंगे, ठीक है। और अब जैसे कि मंडे है तो मम्मी पापा तो जा चुके हैं जो कल सो रहे थे, तो अब हम मम्मा को भी लेंगे इस ब्लॉग में और मम्मा को दिखाएंगे कि मम्मा क्या बना रही है। देखो मम्मी बना रही है चावल, ये देखो पीले चावल, भाई हमारे यहाँ पे तो इसको ना चटपटे चावल बोलते हैं, ठीक है। अब आप ये बताओ कि आप क्या, मम्मी कैसा लग रहा है चावल बना के, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ओहो गाइज, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो हमें भूल ही गए थे, इसमें मटर डालना, ये रहे चावल, ये रहा उसका मसाला, और ये मम्मी डाल रही है मटर। अब स्वाद की तो कुछ चीज़ हो गया है, स्वाद है मम्मी, बिना स्वाद के ना बनाओ, बिना स्वाद बन चीज। अच्छा तो इधर तो देख रहे एक बार कैमरे में है, आज तो आज देख लिया है है, और आज बहुत खुश हूँ मैं कि मम्मी देख रही है, ब्लॉग बनवा रही है मेरे साथ है। मम्मी कैसा फील हो रहा है ब्लॉग में आके, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, अच्छा ठीक है भाई। मम्मी ने देखो मस्त, तो गाइज आपने देखा ही होगा मम्मा ने कैसे बनाया, मम्मा ने चावल चढ़ा दिए और मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना रही हैं, और जैसे ही ब्रेकफास्ट आएगा तो हम उसकी वीडियोज भी बनाएंगे, दिखाएंगे आपको कि पीले चावल कैसे लग रहे हैं, ठीक है भाई। और मम्मी चटपटे चावल बना रही हैं, ठीक है। आपके वहाँ पे चावलों को क्या कहते हैं, मतलब ये वाले चावलों को आपके वहाँ पे क्या कहते हैं, ठीक है। मतलब मेरी नानी के घर पे इनको कहते हैं पीले चावल, ठीक है। मौसी घर पे कहते हैं नमकीन चावल बना रहे हैं हम लोग, तो मैं कंफ्यूज जाती हूँ यार, नमकीन तो मतलब वो होते हैं जिसमें नमक डलता है, ठीक है, और पीले चावल तो यार मीठे भी हो सकते हैं, तो हम तो भाई इसको चटपटे चावल बोलते हैं। तो आप गाइस बताओ कि आपके वहाँ पे इन चावलों को क्या बोला जाता है, ठीक है। पुलाव बोला जाता है, कहीं कहीं पर पुलाव भी तो बोला जाता है, वेज पुलाव बनाए हैं ये सब, तो आप कुछ कमेंट कर। गाइस ये देखो गरम गरम ये भाप देख रहे हो, जस्ट अभी बन के आए हैं ये, और कितने डिलीशियस लग रहे हैं, आई लव सो मच। ये देखो, ये देखो भाई मेरा तो फेवरेट है, आपके बताओ भाई आपकी फेवरेट है या नहीं है, तो गाइज आप बताना कमेंट करके। और ये देखो कितने डिलीशियस लग रहे हैं यार, एक नंबर लग रहे हैं, टेस्टी। तो चलो मैं इनको फिनिश करती हूँ, ठीक है, ये लो आप भी खाओ वन बाइट तो ठीक है गाइज, इसे मैं फिनिश करती हूँ, ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, ठीक है। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे ही ब्लॉग्स को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और जैसे ही कल की वीडियो पे, कल के ब्लॉग पे सॉरी, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया है, ठीक है, तो जैसे कि कल वाली वीडियो पे मतलब बहुत सारा, मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे बहुत सारे लोग मोटिवेट तो कर ही रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। तो मैं आज भी यही विश करती हूँ कि आज भी मेरी ब्लॉग पे ऐसे ही रिस्पॉन्स आए और मैं और मोटिवेट हूँ और ऐसे ही ब्लॉग डालती रहूँ, ठीक है। तो आपको ब्लॉग पसंद आया तो जो करना है कर देना, ठीक है। अभी के लिए ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।